स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है जीके हिस्ट्री। और आज मैं लेकर आपके लिए आया हूँ भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय इतिहास को जानने के साधन। और इस टॉपिक का संबंध प्राचीन भारत के इतिहास से है। इससे हमेशा परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी करते हैं इंग्लिश नेट की या किसी और कमीशन की, तो आपके लिए यह बहुत उपयोगी टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस को कमेंट बॉक्स में आप हम तक पहुंचाएं। आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास को जानने के साधन। इसमें जहां जहां हाईलाइट किया गया है वहां वहां अच्छे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं। नंबर वन टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास को के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। भारतीय इतिहास का बड़ा ही गौरवपूर्ण अतीत रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसे उपयोगी साधन बहुत कम मौजूद हैं जिनके आधार पर अपने उस प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण हम कर सकें और उनको सही रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। तथापि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था। यह सच है कि हमारे पास सामग्रियां उपयोगिता के आधार पर बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जो भारतीय लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, ऐसा कदापि नहीं है। वैदिक युग से ही इतिहास लिखने की परंपरा विद्यमान रही है हमारे देश में। वैदिक काल से ही भारत में इतिहास लिखने की परंपरा विद्यमान थी। इतिहास तथा पुराण नाम से भी अनेक रचनाएं प्रचलित थी जिन्हें पंचम वेद कहा जाता था। हमारे प्राचीन काल में इतिहास तथा पुराण के नाम से भी कई रचनाएं मौजूद थी जिन्हें पंचम वेद के नाम से हम जानते हैं। सातवीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे। ध्यान से इसको याद रखिएगा कि किसने कहा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे। तो यह कहा है ह्वेनसांग ने, जो चीन से हमारे देश की यात्रा पर आया था। यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। अगला टॉपिक है, कल्हण लिखता है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। कल्हण की राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें स्पष्ट रूप से कल्हण लिखा हुआ है, जिसकी किताब कश्मीर के इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा साधन है, बड़ा ही ऑथेंटिक माना गया है ये। तो कल्हण ने लिखा है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर तथ्यों के निरूपण में अपनी भाषा का प्रयोग करता है। तो यह उक्त जो पंक्तियां हैं, यह किसने कही है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप याद रखना होगा कि यह कल्हण ने कहा था। भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को हम मुख्य रूप से तीन शीर्षक में बांट सकते हैं। इस पूरे साधन को हम मुख्य रूप से तीन शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, और तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो शुरू करते हैं सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि वैसे साक्ष्य, वैसे अभिलेख, वैसे प्रमाण जो हमें साहित्य से मिलते हैं, उन्हें हम साहित्यिक साक्ष्य के रूप में या साहित्यिक साधन के रूप में हम समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य क्या है, इसमें साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता था, यानी कि जो भी साहित्यिक ग्रंथ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उनके अध्ययन से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उस तरीके को, साहित्यिक ग्रंथों को हम साहित्यिक साक्ष्य के रूप में मानते हैं। हमारा साहित्य दो प्रकार का है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। यहाँ इसको ध्यान रखिएगा,
हमारे यहाँ मुख्य रूप से दो तरह की पुस्तकों की रचना हुई है, एक वैसी किताबें हैं जो धर्म से संबंधित हैं और दूसरी वैसी किताबें हैं जो लौकिक समाज से यानी लोक समाज से जुड़ी हुई हैं। तो दो तरह के साहित्य हमारे उपलब्ध हैं, एक धार्मिक साहित्य है और एक लौकिक साहित्य है। एक वह साहित्य जिसमें धर्म से संबंधित बातें दी गई हैं और एक वह साहित्य जिसमें आम जनता, आम समाज, राजाओं के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जिसमें व्याख्या की गई है, वह सब हमारे लौकिक साहित्य है। अब आगे फिर से धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। मतलब वह साहित्य जो हमारे पुरातन सनातन धर्म से संबंधित है वह ब्राह्मण साहित्य है, और वह साहित्य जो इस धर्म से इतर यानी कि बौद्ध, जैन या अन्य जो हमारे यहाँ संप्रदाय हुए उनसे संबंधित जो साहित्य है वह है ब्राह्मणेतर साहित्य। तो हमारे धार्मिक साहित्य को भी हमने दो भाग में बांट दिया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। देखिए यहाँ दिया स्पष्ट रूप से, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ये जितने भी नाम दिए हैं यहाँ पे ये सारे ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल किए जाते हैं। यहाँ स्पष्ट दिया है कि ब्राह्मणेतर साहित्य क्या है। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथों तथा जैन ग्रंथों को प्रमुख स्थान दिया गया है। जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है और जो जैन ग्रंथ है, चाहे वो त्रिपिटक हो या अंग हो, उपांग हो, उन सबको हमने ब्राह्मणेतर साहित्य में स्थान दिया है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का प्रमुख स्थान है। यह जो साहित्य है इन्हें हम लौकिक साहित्य कहते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण साहित्य क्या है, धार्मिक साहित्य क्या है, ब्राह्मणेतर साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य क्या है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे अलग अलग टॉपिक के रूप में। सबसे पहले लेते हैं ब्राह्मण साहित्य को, जहाँ तक वीडियो में होगा आपको उसमें समझाएंगे। अगले वीडियो में इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्राह्मण साहित्य को। अभी हम यहाँ केवल साहित्य इन स्रोतों को, इन साक्ष्यों को इतिहास जानने के साधन के रूप में ही आप व्याख्या कर रहे हैं। अगले टॉपिक्स में हम इसकी विस्तृत व्याख्या आपको देंगे। वेद क्या है, वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, यानी कि वेद का संकलन किसने किया। अगर यह प्रश्न आपके सामने आता है तो इसका उत्तर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय तथा नित्य मानती है। जो भारत की परंपरा है उसका मानना है कि वेद अपौरुषेय है, यानी कि इसको किसी पुरुष ने लिखा और ये नित्य है, ये सत्य है, ये हमारी भारतीय परंपरा इसको मानती है। प्राचीन काल के अध्ययन के लिए रोचक समस्त सामग्री हमें वेदों से मिल जाती है। हमारे जो प्राचीन साहित्य के साधन है, जो वेद है, इनसे हमें स्पष्ट रूप से प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन के लिए सामग्रियां प्राप्त होती हैं। वेदों की संख्या चार है, आप जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ये सभी वेद हमारे लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है भारतीय इतिहास को जानने के लिए। इन सब का अलग अलग महत्व है, इसकी चर्चा हम करते हैं। आर्यों की सबसे प्राचीन रचना होने के कारण ऋग्वेद से भारत तथा भारतेतर प्रदेशों के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म तथा उनकी सामान्य संस्कृति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आर्यों की सबसे प्राचीन रचना जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन कैसे हुआ और भारत में जब वो रहते थे उनकी भाषा क्या थी, उनका धर्म क्या था, उनकी सामान्य संस्कृति क्या थी। और न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर के जो प्रदेश हैं जिनसे उनका संपर्क था उनके बारे में भी हमें ऋग्वेद से कुछ जानकारी स्पष्ट रूप से हो जाती है। आगे बढ़ते हैं,
विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में की थी जब वे अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के प्रदेश तक ही फैले हुए थे। विद्वानों का ये मानना है कि ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में की थी। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि ऋग्वेद की रचना कहाँ की गई थी, तो आप इसका स्पष्ट रूप से उत्तर लिख सकते हैं, पंजाब में की गई थी जब हमारे आर्य अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना तक के प्रदेशों तक फैले हुए थे, तब आर्यों ने इस ऋग्वेद की रचना की थी। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं, तो इसका उत्तर है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसमें एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध जिसे दास राज्य युद्ध भी कहा जाता है, इसकी चर्चा मिलती है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास का। इसने भारतीय इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपना स्थान प्राप्त किया है, जिसका नाम है 10 राजाओं का युद्ध या दास राज्य युद्ध। यह युद्ध वैदिक काल में कुरुजन और भरत जन के शासक सुदास के बीच हुआ था। भरत जन के शासक का नाम था सुदास और कुरुजन और भरत जन के बीच जो युद्ध हुआ वह युद्ध था दास राज्य युद्ध। अब इसे 10 राजाओं का युद्ध या दास राज्य क्यों कहा गया है, आगे स्पष्ट रूप से इसको बताते हैं आपको। भरत जन के पुरोहित वशिष्ठ जी थे और 10 राजाओं के समूह के पुरोहित विश्वामित्र थे, यानी कि भरत जन के विरोध में कुरु जन के साथ 10 जनों ने मिलकर, जन मतलब व्यक्ति नहीं, जन मतलब उस समय गांव को जन कहा जाता था, और 10 जन ने मिलकर के एक समूह बनाया भरत जन को हराने के लिए, और रावी नदी के तट पर यह लड़ाई हुई थी, जिसमें यहाँ स्पष्ट दिया है, यहाँ ध्यान देंगे आप कि 10 राजाओं के समूह के पुरोहित थे विश्वामित्र जी और भरत जन के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, यानी आपको याद रखना है कि किस जन के पुरोहित कौन थे, उन्होंने अपने राजाओं को परामर्श दिया था युद्ध के दौरान। आगे बढ़ते हैं। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास ने 10 राजाओं के समूह को परास्त कर दिया और ऋग्वेदिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, कि सुदास ने जो भरत जन का शासक था और 10 राजाओं के समूह को उसने परास्त किया था, उसके बाद उसने उन 10 राजाओं के पूरे जनों को जीत लिया और भारत का चक्रवर्ती, ऋग्वेदिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना। तो इतिहास में यह माना गया है कि वही भरत जन जब बड़ा हुआ तो वही भारत के रूप में विस्तृत हो गया, उसका नाम भरत जन का ही नाम भारत हो गया, जिसे हम आज का भारत कहते हैं, इतिहास इसको मानता है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद और यजुर्वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वेद की बात तो हमने की अभी, अब बात करते हैं सामवेद और यजुर्वेद की, तो इसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन हमको नहीं मिलता है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इसमें मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, यानी कि सामवेद में उन मंत्रों का संग्रह किया गया है जिसको गीत के रूप में यज्ञों के अवसर पर गाया जाता था। लेकिन बहुत जरूरी यहाँ बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसी सामवेद को भारतीय संगीत विद्या का मूल कहा जाता है, यानी कि ये सामवेद जो है इसे ही भारतीय संगीत विद्या का मूल माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ से बना यजुर, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य आदमी के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, यानी कि यह अथर्ववेद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें आम आदमी के विचारों और उस अंधविश्वासों का विवरण हम पाते हैं और समाज की झलक हमको यहाँ देखने को मिलती है। इस अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद्य हैं।
इसके कुछ मंत्र तो ऋग्वेद से ही प्राचीनतर है, अथर्ववेद के। इसके जो विषय हैं वो हैं रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं। तो आपको एग्जाम में कभी कहीं पूछा जाता है कि किस वेद में रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति इत्यादि की चर्चा मिलती है, तो आप एकदम बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखते हुए अथर्ववेद याद रखिएगा। और अथर्ववेद में यह ध्यान रखना है कि आम आदमी के जीवन की व्याख्या हमें अथर्ववेद में ही स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है, यहाँ दिया गया है, यानी अथर्ववेद में जादू टोने की चर्चा भी हमें मिलती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किस वेद में जादू टोने का विवरण आपको मिलता है, तो वह अथर्ववेद है। अगला हमारा टॉपिक, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा वर्णन मिलता है। एग्जाम में पूछ रहे हैं कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो इसका उत्तर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अब अंतिम हमारा आज का टॉपिक, आज का पॉइंट, इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है, यानी कि ये चार जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हें एक साथ हम संहिता भी कह सकते हैं, इनको संहिता भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किन्हें संहिता कहा जाता है, तो ये चार जो वेद है इनको एक साथ हम संहिता भी कहते हैं। वेदों को श्रुति भी कहा गया है, याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछता है एग्जाम में कि किस ग्रंथ को श्रुति के नाम से जाना गया है, तो वह वेद ग्रंथ ही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, और हमको उम्मीद है कि आप इससे भरपूर लाभ लेंगे। और अब व्यापक रूप से अगले टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, और पूरे इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के आधुनिक भारत के इतिहास तक पर आपको नोट्स में उपलब्ध कराऊंगा, और उसकी व्यापक विस्तृत चर्चा आपके सामने मैं रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका लाभ लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वैल्यूएबल, अपने कीमती सजेशंस को हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। पुनः एक बार फिर से धन्यवाद।